हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा यूएनओ। यूएनओ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945। इसमें टोटल 193 कंट्री आते हैं। नवीनतम देश जो है जो शामिल हुआ था वो है दक्षिण सूडान। इसमें 6 अंग होते हैं। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क मैनहट्टन द्वीप में स्थित है। अभी प्रेजेंट में इसके महासचिव हैं एंटोनिया गुटेरेस। भारत की तरफ से इसमें स्थायी प्रतिनिधि हैं रुचिरा कंबोज। यूएन महासभा का 78th सत्र के अध्यक्ष जो है वो है डेनिस फ्रांसिस। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 मेंबर, जिनमें से 5 अस्थाई होते हैं और 10 अस्थाई मेंबर शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है वो द हेग नीदरलैंड में स्थित है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुआ था और इन्हें जुड़वा बहन भी कहा जाता है। स्थापना हुआ था 1944 में। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो प्रेजेंट में हेड है अजय बांगा। आईएमएफ का जो इसमें जो कंट्री है वो है 190 देश इसमें शामिल है। नवीनतम जो कंट्री है वो है एंडोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। स्थापना हुआ था 1985 में। हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में स्थित है। इसमें 8 देश शामिल हैं। मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया और भारत। इसमें 8 देश शामिल हैं।